नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। जमीनी विवाद में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के मन में अब पुलिस का खौफ है ही नहीं। अपराधी छोटी से छोटी विवादों में गोलीबारी जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बम्ब यादव पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां 2.5 कट्टे के जमीन विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स के पैर में गोली मारकर उसको घायल कर दिया। अपराधियों द्वारा 4 गोली चलाई गई, जिसमें 1 गोली रमन यादव के पैर में जा लगी। बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद और रमन यादव के बीच 2.5 कट्टा जमीन को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। इसी विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। जख्मी परिजन का कहना है कि जख्मी बम्ब यादव पेट्रोल पंप के समीप आग का गोला लगाकर आग तापने के लिए बैठा था, तभी 2 मोटरसाइकिल से अपराधी के द्वारा 4 राउंड गोली चलाई गई, जिसमें 1 गोली घायल युवक के पैर में लगी। फिलहाल जख्मी के परिजन जख्मी को इलाज के लिए आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी युवक का इलाज जारी है। फिलहाल मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दे दी गई और मामले की जाँच शुरू कर दी गयी। हम गोरा ताप रहे थे दुकान के आगे में, बस आया पकड़ के थप्पड़ देने लगा, बस गोली मारा, ऊपर भी गोली 2-4 फोड़ दिया, बस ट्रंक पे मारा, हम गलत गए तब ट्रंक पे मार दिया। कौन मारा है गोली? लाली लाली था, तो था आपका? जमीन का मैटर चल रहा है। आपका क्या नाम है? रोबन यादव, कहरा बोलो, वार्ड नंबर 24। उसी टाइम 2 बाइक सवार आया, अब कौन था नहीं था ये हम नहीं देख पाए, गोली मार के चले गए। कहाँ गोली मारा? पेड़ के, पेड़ में मारा है। कितना गोली मारा है? राउंड तो चला 4 लगा ये, जबकि सुता का कौन मारा ये तो मेरे को पता नहीं। क्या नाम है? R9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।